अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। बात जहन में आई, मैंने कहा आपको भी नसीहत शेयर कर देता हूँ। एक दफ़ा गाड़ी वर्कशॉप पे दी, बहुत पुरानी बात है, तो उस वर्कशॉप वाले ने कहा कि गाड़ी ना आपको, क्या दिन उसने बोला था कि सैटरडे को मिल जाएगी। तो मैंने सो कहा कि नहीं, मुझे ना चाहिए, देख लेना, मुझे चाहिए, मैंने ऑफिस दूर है मेरा तो मुझे चाहिए। तो उसने कहा बस कह दिया ना सैटरडे को मिल जाएगी। मैंने कहा पक्की बात? मैं पक्की बात के अलावा बात ही नहीं करता, आपको कह रहा हूँ सैटरडे को मिल जाएगी, ठीक है? नहीं नहीं, वो जो भी अगले दिन दो दिन। तो उसके बाद मैंने सोचा उसकी बात को, मैंने कहा ये बहुत वसूख से कह रहा है, इसको इंशाल्लाह कहना चाहिए था। सैटरडे का दिन आया, वो शर्मिंदा फिरे मेरे आगे, उसने कहा नहीं जी सॉरी काम नहीं हो सका। तो फिर उसको गाड़ी पता नहीं, मुझे याद नहीं, मंडे ट्यूज़डे को मिली। मैंने उसको ये बात कही जाके, मैंने कहा जब आप उस दिन कह रहे थे ना कि मैं पक्की बात ही करता हूँ, मैं उसके अलावा बात नहीं करता, तो मुझे लगा आपको इंशाल्लाह कहना चाहिए था। सूरह कहफ के मतलब जो तफसीर है या जो उलमा से पता लगता है, सूरह कहफ का नज़ूल कुछ दिन लेट हो गया था, 15 दिन भी आता है रवायत में। क्या अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मैसेज देना था कि आप जब कोई काम कहें और उसका इरादा कर लें तो इंशाल्लाह कहा करें? और आप हुआ यह था कि कुछ एक वक्त था जो आप सबसे कुछ सवाल पूछने आया था, तो आप सबने फरमाया कि कल जवाब दूंगा। और अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यही उस वक्त उम्मीद होगी कि अब मैं कह दिया कल जवाब दूंगा तो नज़ूल हो जाएगा। अगले दिन कोई नज़ूल नहीं हुआ, कोई वही नहीं आई, फिर वो वक्त फिर आ गया जी कल जवाब दूंगा। करते करते ना तकरीबन कोई 15 दिन लगे थे, डिले हुआ था और उसका मैसेज यही पहुंचा था कि इंशाल्लाह कहा करें। अच्छा, जिनका यकीन ही नहीं है इस पे तो उनके लिए तो ये मैसेज भी नहीं है, लेकिन जिसका यकीन हो तो इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। और जब कोई भी बात इंसान कर रहा हो ना, इसको ना आदत बना ले। मैं वैसे अक्सर इस तकिया कलाम नहीं है, मैं आदतन इस बात को इरादतन कह रहा होता हूँ, मैं अक्सर कामों में आपको इंशाल्लाह कहता नजर आऊँगा। तो मुझे अभी सुबह एक बात रियलाइज़ हुई, कल मैं आपको बार बार, और ये जरूर, ये मतलब ये नहीं है कि मेरे अल्लाह माफ़ करे कोई ईमान में कमी है, भूल गया होऊंगा मैं, लेकिन शायद इस वजह से कि मैं आपको भी नसीहत पहुंचा सकूँ, शायद इस वजह से हुआ हो। मैं बार बार कल आपसे पूछ रहा था कि इस क्यों, ये क्यों ऐड होता है, तो फिर उसके बाद जवाब क्या था? कल बताऊँगा। मैंने इंशाल्लाह नहीं कहा था, मुझे नहीं लगता मैंने कहा था, और शायद जीटी में कहा होगा, गुलबर्ग में नहीं कहा होगा। गुलबर्ग में कल डिफरेंट हालात थे और माहौल डिफरेंट था और जज्बात डिफरेंट थे, तो मैंने कल बार बार ये बात की थी, इतवार को बताऊंगा। अभी सुबह मैंने फैसला किया कि मैं कैश फ्लो नहीं पढ़ा रहा अभी आज के दिन में, क्योंकि जो गुलबर्ग वाला सेक्शन है वहाँ पर बात बीच में रह गई थी, सवाल मैं पूरा कर नहीं सका और हालात बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे, तो वो मैंने कंप्लीट करना था, तो एक होमवर्क देना था, वो होमवर्क आपने करना था तो मैंने उस पर बात और आगे करनी थी। तो गुलबर्ग में चूंकि वो सवाल ही कंप्लीट नहीं कर सका, जीटी में कर दिया था, गुलबर्ग में वो सवाल ही कंप्लीट नहीं कर सका, होमवर्क ही दे नहीं सका, तो आज मैं बात कैसे आगे कंटिन्यू करूंगा? तो आज मैं कैश फ्लो नहीं करा रहा, इंशाल्लाह ये कल कराऊंगा। तो अभी मैं एक और टॉपिक करा रहा हूँ और प्रॉब्ली आज ही इंशाल्लाह उसको ख़त्म कर दूंगा, है जी। वो डायरेक्ट मेथड का है ना, वो डायरेक्ट मेथड का टेस्ट, तो डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड तो करा दिया हुआ है। तो मैं कैश फ्लो की ब्रेक ले रहा हूँ, और ये जो गुलबर्ग वाले बच्चे हैं ये भी, और गार्डन वाले बच्चे भी हैं, पेज छोड़ना है जितने मर्जी छोड़ दें। तो ये जो अभी तक कैश फ्लो पढ़ा है, जो 2-4 सवाल करने की कोशिश की है, इसको आज के दिन में बराए मेहरबानी रिवाइज कर लें, और ताकि मैं कल उस सवाल को कंटिन्यू करके और जो बात आगे बतानी थी फिर वो कल बताऊं।
एक टॉपिक है, इस पे सवाल आता ही आता है, लेकिन आसान नहीं कहता मैं। नहीं नहीं, एक ना बहुत मुश्किल टॉपिक है, और ये इतना मुश्किल है कि मेरे हाथ कांपने लिखते हुए। मुझे स्वेलिंग ही भूल गई। अच्छा आप कैश लो, चूंकि वो तरतीब में चलाऊंगा तो इसलिए मैंने इसको लेक्चर 90 नहीं कहा, ये इसी नाम से ही है ना, ये ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूँ। कैश फ्लो में जो अगला लेक्चर है वो अब 89 था कल, हाँ तो वो 90 मैं कैश फ्लो में ही डलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं अलग कर दिया, लेक्चर 90 नहीं होगा, ये आपको अलग सेक्शन में नजर आएगा। एक ग्रिड है जिस ग्रिड का हिस्सा है ईपीएस, और उस ग्रिड में तीन चैप्टर हैं, और एक चैप्टर उनमें सिर्फ एमसीक्यूज की औकात है उसकी, और उसके अलावा दो बड़े चैप्टर हैं। एक ग्रिड है सिलेबस का 20 से 30 मार्क्स का, और इसमें तीन टॉपिक हैं, एक ईपीएस है, एक ये रेशियोज हैं, इसका नाम रेशियोज नहीं है, वैसे मशहूर ये रेशियोज से, नाम इसका कुछ और है, और एक जो है ना वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है। ये जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है ये थ्योरेटिकल है, प्योरली थ्योरेटिकल है, और इसमें याद करने वाली चीज़ें ही हैं, और जैसे कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है उसका मकसद क्या है, फलाना बोर्ड क्या करता है, फलाना बोर्ड क्या करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह की चीज़ें, और ये सिर्फ एमसीक्यूज की औकात जितना ही है, या इसमें छोटा सा एक न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हो सकता है 3-4 नंबर का आ जाए, लेकिन मैं मेनली एमसीक्यूज ही कह रहा हूँ। तो पीछे रह गए दो चैप्टर्स। अब 20-30 मार्क्स का मतलब है कि इन दोनों में से ही सवाल आएंगे, तो इसलिए ये दोनों ही ऑलमोस्ट कन्फर्म है पेपर के। आसान नहीं कहूं, क्या कहूं मैं, बट ठीक है ठीक है, बस इसमें कैलकुलेशंस हैं, अगर कैलकुलेशन की हद तक टेस्ट होना तो ये ठीक है। हाँ इसमें कमेंट्स हो जाते हैं, वो थोड़े से ऊंचे लेवल के हो जाते हैं, लेकिन वो भी इतने ऊंचे लेवल के नहीं होते। तो इसमें अगर आप अपनी कैलकुलेशन फार्मूले याद करने पड़ेंगे, फार्मूले याद करने पड़ेंगे, और उनका तकरीबन स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा होता है, तो इसलिए कैलकुलेशन का अगर सवाल हुआ तो ये ठीक क्वेश्चन होता है, और इसमें बस मुनासिब से 2-4 नंबर आ जाते हैं, तो इसलिए ये और ये दोनों पक्के सवाल समझे पेपर के। रेशोज अभी कर रहा हूं, और इसका नाम वैसे जो रेशियोज चैप्टर का नाम है वो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये आईकैप की बुक में चैप्टर 10 है। इसके फार्मूले हैं, और फार्मूलों को समझना भी जरूरी है, कैलकुलेशन तो उसकी है ही, अभी प्रैक्टिस उसकी मतलब मैं भी कर दे दूंगा बोर्ड पे, आप भी कर रहे होंगे, तो उसकी कैलकुलेशन भी है, और फार्मूलों को समझना भी इसलिए जरूरी है कि उस पर एमसीक्यूज बड़े मजे के बन सकते हैं, यानी इसकी एमसीक्यूज की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, इसकी एमसीक्यूज की बड़ी अच्छी टेस्टिंग हो सकती है। तो कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, तो इसलिए फार्मूले समझने इसलिए जरूरी हैं कि आप लोगों को कमेंट्स करने भी टेस्ट हो सकते हैं, तो मैं आपको फार्मूले समझाऊंगा भी और उनकी कैलकुलेशन की भी करते हैं प्रैक्टिस। नहीं नहीं कराने, और मतलब दो मैंने बोर्ड पे कराने, और फॉर्मेट्स का रीजन बताना है, ये है मेरा करने वाला काम, उसके अलावा होमवर्क तो है। कैश फ्लो के लिए अगर कोई पेजेस छोड़ रहा है तो दो सवाल कम से कम मेरा बोर्ड पे कराने का इंशाल्लाह इरादा है, और रीजंस बतानी है वो तो मैंने जबानी ही बतानी ना फॉर्मेट्स देख के। तो मेरे बोर्ड पे करने वाले काम कैश फ्लो के दो सवाल हैं, बाकी होमवर्क में चलेंगे भी सवाल, तो उसके हिसाब से देख लें अगर जगह छोड़नी है तो।
यानी अगर कुछ लिखवाने वाली बात भी हो तो वो तो ऑलरेडी मैंने नोट्स पे फॉर्मेट्स पे लिखी हुई है, तो वो बोर्ड पे जो मैंने सॉल्यूशन नोट करना है सवालों का वो होगा, और दो का प्लान है बस। हाँ लिख, नहीं कौन सी वो जो इनडायरेक्ट मेथड के मैंने बताने, नहीं वो फॉर्मेट में नहीं लिखी, नहीं वो तो, बल्कि हाँ रीजंस बताने के लिए भी शायद मैं कोई एक आधा पेज यूज करूंगा, तो आप कोई कर लें जितने अंदाजन पेज छोड़ने। रिफिल कर देना हैं, दे देना यार। मैं 7:09 बजे जाऊंगा। नहीं मुझे, हाँ उधर जाऊंगा, क्या मतलब इधर वो सामान। अच्छा ठीक ठीक। पहले वाले संडे को था नाश्ता और चाय थी, ऊपर कैंटीन में बिठाया था यार, ऐसे ना कर। फिर दूसरे संडे को चाय थी, तीसरे संडे को सिर्फ नाश्ता था, तो चौथे को खाली करके देखते हैं। ठीक, ये रिफिल कर देना यार। ये दोनों कर दें। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको वो इंशाल्लाह वाली बात की है ना, इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये ना शुगल नहीं है, क्योंकि इसके शुगल में, अब जैसे मुझे बीच में बार बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह की आवाजें आ रही हैं, तो ये ना शुगल नहीं है। और इसमें एक सवाल ही बनता, बल्कि मेरे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जानने वाले ने एक सवाल किया था कि इंशाल्लाह तो नॉन मुस्लिम्स नहीं कहते, तो उनके काम क्यों हो जाते हैं? तो ये अगर इशारे निशानियां झिझोड़ना है भी, तो ये उन्हीं लोगों के लिए बॉदर करता है जिनमें ये ईमान हो, और उसको झिझोड़ने के लिए बाज़ुकात अल्लाह की तरफ से कुछ इशारे भी मिल जाएंगे, ज़रा समझ जाओ। तो जिसका ईमान नहीं है इस चीज़ के ऊपर, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो इसलिए अगर तो आप इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और, तो इंशाअल्लाह का इस्तेमाल किया करें, इससे ना और ईमान स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इस चीज़ पर बिल्कुल ईमान ही नहीं है, तो फिर तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह कहने से। तो शुगल नहीं है बहरहाल। अच्छा, नोट्स आप तक पहुंचे हैं, और मैं यहां सामने खोल भी लेता हूं। उससे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं एक, कि ये सारा मामला है क्या, ये हम करने क्या लगे हैं। मिसालों, दो चार मिसालों से समझाता हूं इसका कॉन्सेप्ट। चले, चूंकि क्रिकेट के सारे चीते चीतियां होते हैं, तो ये जो क्रिकेट मैच का एनालिसिस होता है, मैच से पहले, मैच के बाद, एक्सपर्ट्स अगर किसी मैच पे तबसरा कर रहे हैं या किसी बैट्समैन के ऊपर एनालिसिस हो रहा है, चले कि इसमें ये वीकनेस है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, तो ये उन्होंने कैसे जज कर लिया होता है कि जो ऑफ स्टंप पे आने वाली बॉल है, ये फलाना बैट्समैन अच्छा नहीं खेल पाएगा, या फलाना बैट्समैन जो स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, ये एक्सपर्ट्स ने कैसे हिस्ट्री की पूरी परफॉर्मेंस देखी होती है। अच्छा, एक आधी बॉल देख के उन्होंने फैसला कर लिया होता नहीं, और उन्होंने उस बैट्समैन के स्टाइल को, उस जो पिच है उसको, फिर सेकेंड इनिंग्स है कि फर्स्ट इनिंग है, वन डाउन था या ओपनर था या छठे नंबर पर आया था, इन सारी चीजों को आपस में लिंक बनाया होता है, और उस लिंक बनाने के बाद कोई इस तरह का ओपिनियन बनाया होता है कि लेग साइड पे आने वाली बॉल ही अच्छा खेल लेता है,
ऑफ स्टंप पे बॉल जैसी ही पड़ती है ऐसी खेली नहीं जाती है, या स्पिनर कोई इससे अच्छा खेल ही नहीं सकता। अगर जो बॉल है वो ज़्यादा ऊंची बन जाती है तो इससे सही शॉट नहीं लगाया जाता। स्ट्रेट बैट से ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो ये उसकी बैटिंग को मुख्तलिफ मैचेस में बार बार ऑब्जर्व किया होता है, कंपेयर किया होता है, कंपेरिजन के बाद एनालिस कर पाते हैं। चले और मिसाल बताता हूं, मैट्रिक में कितने टोटल मार्क्स होते हैं? 1100। और ग्रेजुएशन में टोटल पता है? 800। सादी ग्रेजुएशन, बीकॉम नहीं, 800 होते हैं। तो 800? हाँ 800 होते हैं। तो अगर किसी के मैट्रिक में 1100, ये होता है कि ये होता है, चलो इस टेंशन में नहीं पड़ते। और अगर उसकी ग्रेजुएशन में 800 मार्क्स, नहीं ठीक है, और जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए इसमें, उसने मार्क्स ऑब्टेन किए 900, और इसमें उसने मार्क्स लिए 760, आते नहीं इतने वैसे, तो परफॉर्मेंस खराब हो गई इसकी। मतलब कहां 900, कहां 700। हाँ जी, तो ये 900-700 क्यों कंपेरेबल नहीं है? तो अच्छा, अगर ऐसा होता, एफएससी में कितने होते हैं? 11। कोरोना आया था इसमें तो हर लत्तू पत्तू को नंबर मिलना शुरू हो गए थे। चलें 940 ले लेते हैं। इन दोनों के मार्क्स कंपेरेबल हैं, इसके बाकियों से कंपेरेबल नहीं है। वैसे अगर देखें नंबर तो ये कम है वो ज्यादा है, तो लग रहा है कि शायद परफॉर्मेंस कम है, लेकिन कंपेरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल डिफरेंट है। इसी तरह अभी मैंने क्रिकेट की मिसाल दी थी, अभी पिछले मैच में पाकिस्तान ने स्कोर किया 280, और अब जो T20 होना है अगला, उसमें पाकिस्तान स्कोर करे 210, तो उसका मतलब परफॉर्मेंस उनकी डाउन हो गई है? नहीं, वो 280 किया था, अब 210 कर रहे हैं। वो 50 ओवर्स का मैच था, ये 20 ओवर्स का मैच है। तो जब हमने कुछ फिगर्स को कंपेयर करना होता है तो बाज़ औकात तो वो फिगर्स एज इट इज कंपेयर हो सकती हैं, लेकिन बाज़ औकात उनका एब्सोल्यूट कंपैरिजन फेयर नहीं होता। तो उसके लिए फिर फेयर कंपैरिजन करने के लिए अब इस 760 को 900 से कैसे कंपेयर करें? तब 760 परसेंटेज निकाल लें। जब परसेंटेज निकालेंगे तो इस परसेंटेज के कंपैरिजन को कहेंगे कि ये रिलेटिव अब कंपेयर हो रहा है, यानी 1100 में से 900 ऐसे ही है जैसे 100 में से 81, 760 800 में से ऐसे ही है जैसे 100 में से। तो अब ये दोनों कंपेरेबल हैं। अब ये हमने कंपेरेबल बनाने के लिए इनकी बेस सेम कर ली, रिलेटिव कंपैरिजन करने के लिए। हां ये कंपेयर हो सकते थे, ये कंपेयर हो सकते थे, लेकिन इनके कंपैरिजन के लिए इनको कहीं ना कहीं किसी बेस के साथ जोड़ना पड़ा। ये जो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना है, इसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना है, और इसमें सबसे मेन काम होता है कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन किस बात का करना है, फिर दोबारा क्रिकेट की मिसाल देते हैं। जब किसी खिलाड़ी का कंपैरिजन उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हो रहा है, तो फिर यह देखना पड़ेगा कि छक्के छुक्के कौन ज्यादा मार लेता है, स्ट्राइक रेट कंपेयर करना पड़ेगा है। अगर एक बैट्समैन की कंसिस्टेंसी को एनालाइज करना है, क्रिकेट की मिसाल दे लूं कि रहने दो, नहीं अच्छा चले रहने दें, क्रिकेट की मिसाल रहने देते हैं, छोड़ दी क्रिकेट की मिसाल छोड़ दी। अच्छा चले, जिनको समझ आ रही उनको तो बताऊं ना, अगर एक बैट्समैन का एनालिसिस करना है और उसको बाकियों से कंपेयर करना है कि कितना कंसिस्टेंट है, तो उसका स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा या एवरेज? एवरेज। और अगर मार धाड़ के हिसाब से देखना है तो स्ट्राइक रेट। अब स्ट्राइक रेट अफरीदी का बहुत जबरदस्त है, लेकिन एवरेज बहुत कम है।
तो कंसिस्टेंसी जब देखनी थी तो कुछ और फीचर्स देखने थे, जब यह देखना था कि मारधाड़ कौन ज्यादा कर सकता था कुछ और फीचर्स देखने थे। इसी तरह से बिजनेस की मिसाल लेते हैं, अगर यह देखना हो कि कंपनी ए और कंपनी बी में से कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो दोनों के डेटर्स को कंपेयर कर लें, हैं? डेटर्स को कंपेयर कर, टोटल एसेट्स को कंपेयर कर लें, सेल्स को कंपेयर कर लें या प्रॉफिट को, प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो सेल्स को कंपेयर कर लें, प्रॉफिट को, जीपी को के नेट प्रॉफिट को, चलें दोनों डिफरेंट मीनिंग देते हैं, दोनों ही ठीक है, जीपी कह देता हूं मैं। इस कंपनी ने 240 मिलियन का जीपी कमाया था पिछले साल और इस कंपनी ने 360 मिलियन का जीपी कमाया था, तो कौन सी कंपनी बेहतर है? अब हम प्रॉफिटेबल देख रहे हैं कि कौन ज्यादा बेहतर बिजनेस कर रहा है, किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो बी या ए? क्यों अभी नहीं? इनका कंपैरिजन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेशक अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो यकीनन ये सेम इंडस्ट्री के होंगे तो कंपेयर कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री के ना होते तो फिर कंपेयर ना कर रहे होते, लेकिन हो सकता है इसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस, इसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस डिफरेंट हो, हो सकता है कि इसकी पूरे साल की जो सेल्स हो वो 2500 मिलियन हो और इसके पूरे साल की जो सेल्स हो वो 10000 मिलियन हो, 2500 मिलियन सेल करके ये इतना कमा रहा है और वो 10000 मिलियन की सेल करके इतना कमा रहा है, तो अब ये बेहतर है, अब ए बेहतर हो गया। तो इसलिए जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करना होगा तो हमें एसेट्स नहीं देखने, हमें इसके करंट एसेट्स और लोन्स ये नहीं देखने, हमें देखना है कि बिजनेस प्रॉफिट में कैसा है। तो प्रॉफिट में भी एब्सोल्यूट कंपैरिजन से ज्यादा बेहतर यह है कि रिलेटिव कंपैरिजन बन जाए, ये इसका कितने परसेंट है, तकरीबन 10% कह लें, ये इसका कितने परसेंट है, तकरीबन 3.5% कर लें, यही है या ठीक है ना। अब ये 10 और 3.5 कंपेरेबल है क्योंकि 10% मतलब अगर 100 की सेल हो तो 10 का प्रॉफिट, 3.5% 100 की सेल हो तो 3.5 का प्रॉफिट, ये कंपेरेबल है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रख के उन बिजनेसेस का कंपैरिजन करना होता है और उन बिजनेसेस के मुख्तलिफ फंक्शंस का कंपैरिजन करना होता है। जैसे अभी जो मैंने मिसाल दी है इसमें इन कंपनीज का क्या कंपेयर हो रहा था, प्रॉफिट्स, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर यह देखना हो कि किस कंपनी में डेटर्स से जल्दी पैसे मिलने की प्रैक्टिस है, आपसे नहीं पूछ रहा, बता रहा हूं, अगर यह देखना हो कि किस कंपनी के डेटर्स के ऊपर कंट्रोल ज्यादा है, डेटर्स से पैसे जल्दी मिलना अच्छा होता है, देर से मिलना अच्छा होता है, जल्दी मिलना अच्छा होता है, तो अगर यह देखना हो कि डेटर्स से कौन जल्दी पैसे ले लेता होता है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ फार्मूले होंगे, अभी नहीं लिख रहा, वो आगे तो पूरा टॉपिक है। इसी तरह अगर यह देखना चाह रहे हो कि कौन सा बिजनेस अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में अच्छा है, इसके लिए भी कुछ अलग फार्मूले लगाने पड़ेंगे। अगर यह देखना हो कि किस बिजनेस के डूबने के रिस्क ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इतने लोन उन्होंने सर पे उठाए हुए हैं कि गिर जाएंगे, इसके लिए कुछ और फार्मूले होंगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने मुख्तलिफ बिजनेसेस को या एक ही बिजनेस को अपने आप से कंपेयर करना होगा। अपने आप से कैसे कंपेयर हो सकता, पिछले साल से, पिछले 2-3 साल से। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हमने पढ़ना है कंपेरिजन और वो कंपैरिजन पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे, और कंपैरिजन वो मुख्तलिफ फंक्शंस के हिसाब से होगा।
इस चैप्टर में ना मेनली हम लोगों ने पढ़ना यही है कि एक बिजनेस को अगर अपने ही पास्ट से या कंपेटिटर से या इंडस्ट्री एवरेज से मुख्तलिफ फंक्शंस को अगर उसके जज करना हो, इवेल्यूएट करना हो, और उस इवेल्यूएट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो वही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। अगर मेरे पास किसी बच्चे के पेरेंट आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं जी हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, अगर आप अपना ओपिनियन बता दें, और मैं उस बच्चे को नहीं जानता पर्सनली, मेरे सामने भी वो बच्चा नहीं है, तो मैं कैसे बता दे, मतलब कैसे बता सकूंगा ओपिनियन है? मैं उसकी रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनका आपस में कंपेरिजन करूंगा, टेस्ट को कंपेयर करूंगा, उसके रिजल्ट को कंपेयर करूंगा, उसके पास्ट रिकॉर्ड को कंपेयर करूंगा, उसकी अटेंडेंस को कंपेयर करूंगा, यानी जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है उसी में कोई जोड़ तोड़ करूंगा। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दुनिया वालों के पास अवेलेबल होती है। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कुछ भी है उस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर कौन रहा होगा, मतलब ये किसको टेंशन है ये काम करने की है? एक कंपनी को बाकियों से कंपेयर करके ये जज करना, ये इवेल्युएट करना कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ये डेटर से पैसे लेते हैं कि नहीं लेते, क्रेडिटर्स को पैसे देते हैं कि नहीं देते, लोन कितने लिए हुए, इनका बिजनेस सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, ये फैसले कौन कर रहा होगा? किसको टेंशन है फैसले करने के? ओनर्स, ओनर्स के पास तो सारी इंफॉर्मेशन है ही, उनको तो नजर आ ही रहा होगा, चलो ठीक है ओनर्स भी हो सकते हैं। कंपेरेटर्स ये कंपेयर करके देख रहे होंगे कि हमारा कंपेरेटर क्या ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये काम करके देख रहे होंगे, जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो वही फिर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा ना कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। लेंडर्स जिन्होंने लोन देना है वो असेस करके देखेंगे कि हम इसमें पैसा लगाएं कि ना लगाएं। तो मुख्तलिफ भी मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं जिनको ये काम करना है। आपको ये काम क्यों करना है? क्योंकि आपसे सवाल पूछे हुए, तो आपको ये कंपैरिजन करने के तरीके आने चाहिए। ये तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कौन कर रहा होता है, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कर रहे होंगे, लेंडर्स कर रहे होंगे। यूजर्स कह लूं, चलो यूजर्स कह लेता हूं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये एनालिसिस कौन कर रहा होता है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं, कंपेटिटर्स कर रहे होंगे, ऑडिटर्स भी कर रहे होंगे। ऑडिट जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें एक तरीका एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स कह दिए थे मैंने, लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, इम्प्लॉयज हो सकते हैं, इवन के गवर्नमेंट के इदारे हो सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस कर रहे होते हैं, और कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स की बेस पे फिर लोग डिसीजन करते हैं कि जैसे ये होते हैं ना मूवीज के क्रिटिक्स होते हैं, तो वो मूवीज के ऊपर अपना
जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, फिर उनके एनालिसिस की बेस पे जो सिनेमा गोअर्स हैं वो फैसला करते हैं कि मूवी देखनी है कि नहीं देखनी, बुक्स के क्रिटिक्स होते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये लोग अपनी रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो इनकी रिपोर्ट पे लोग रिलाई करके डिसीजन लेते हैं, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं लोग। अच्छा, अब ये है क्या, यानी अब हम चलते हैं कि करना क्या है, ये जो एनालिसिस करना है ये कैसे करना है। तो एनालिसिस करने के लिए ये जो इंटरप्रिटेशन है या एनालिसिस कह लें इसको, इसमें हमने करना क्या है, इसका मेन पोर्शन जो है वो रेशियोज हैं, फिर एक चीज है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक चीज है वर्टिकल एनालिसिस, मेनली रेशियोज हैं। अब इसमें आपसे एग्जाम में टेस्ट क्या होता है, इसमें आपसे ज्यादातर प्योरली रेशियोज की कैलकुलेशन टेस्ट होती है बस, और ये फिर आसान बस ठीक सवाल होता है, कैलकुलेशन टेस्ट हो जाती है, कमेंट्स टेस्ट हो जाते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स की जान जाती है, अंग्रेजी लिखनी पड़ती है ना तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, बल्कि अंग्रेजी सीखनी तो आसान होती है, जो पढ़ना होता है उसके लिए मुश्किल होती है। तो मैं रेशियोज कर रहा हूं पहले, उसके बाद फिर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है उस पर आते हैं। नोट्स आपको दिए हैं और वहां पोर्टल पे एलएमएस वालों के लिए रख दिए हैं, ऑनलाइन वालों के लिए, मैं फिर भी ना सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं। आपको मैं फार्मूले समझा देता हूं लेकिन याद तो बेटे आप नहीं करने। ये सब नोटेड, पॉज करना यार, जूते तो उतार लेते यार, जूते नहीं उतारे, ये फिगर्स कैलकुलेट करिएगा, 1400 और है 1800, जी 1560
ये मैंने ना दो कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इनसे मैं आपको मल्टीपल रेशियोज बताता हूं। ये पैट और पीबीटी तो पहले पिछले चैप्टर में भी जिक्र हुआ, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें से अभी इंटरेस्ट भी माइनस होना है और जब वो माइनस कर लेंगे तो फिर पीबीटी बन जाएगा, इसमें से अभी टैक्स माइनस होना है वो कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। इसको कहते हैं, बल्कि इसका तो नाम लिखा ही हुआ है, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट ही है, ये कहलाता है नेट प्रॉफिट और ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये तीन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं पीबीआईटी को। इंटरेस्ट एक्सपेंस बिजनेस ऑपरेट करने का खर्चा, मतलब बिजनेस चलाने का खर्चा, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं नहीं है, वो तो लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना है, अगर सारा पैसा अपने बिजनेस कर रहे होते तो कोई इंटरेस्ट ना होता, तो बिजनेस चलाने का यह खर्चा नहीं है, ये बिजनेस चलाने का खर्चा नहीं, ये तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, गवर्नमेंट वाले अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं, तो बिजनेस चलाने के खर्चे यही हैं, इसलिए इनके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर लें तो पीबीटी आ जाता है, टैक्स एक्सपेंस माइनस कर लें तो पैट आ जाता है। तो ये तीन टर्म्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अगर इस बिजनेस, इन दो बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, एक चीज बल्कि और दिखा देता हूं, रिजर्व्स वो कैपिटल के अलावा बाकी सब कुछ, शेयर कैपिटल तो कैपिटल है, बाकी सब रिजर्व्स होते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, वो सब रिजर्व्स हैं। ये डाटा नोट कर लें, करना है तो मैंने इससे ना आपको कुछ रेशियोज के कॉन्सेप्ट सिखाने
उसामा पॉज करना। अच्छा ठीक, ये लिख लिया डेटा। रेशोज निकालनी है मुख्तलिफ फंक्शंस को चेक करने के लिए। एक फंक्शन है प्रॉफिटेबिलिटी, कि बिजनेस प्रॉफिट कमाने में कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं ना, या इस तरह से जो कंपैरिजन करना है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना है, इसमें बिजनेस के मुख्तलिफ फंक्शंस को इवेल्युएट करना है। एक फंक्शन है बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, कि बिजनेस प्रॉफिट कमाने में कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं चलेगा गुजारा, नियत होगी तो चल जाएगा। एक प्रॉफिट रेशियो होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो सेट ऑफ रेशियोज हैं जिनसे ये पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट कमाने में कैसा है। इस परसेंटेज का आंसर ज्यादा हो तो अच्छा है, कम हो तो अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो तो अच्छा है। तो एक रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगी कि सेल्स के मुकाबले में जीपी कैसा है, यानी जीपी ओवर सेल्स, जीपी ओवर सेल्स, नेट सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ सेल नेट करके। अगर रिटर्न्स हैं तो वो नेट करके। वैसे इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नेट ही दी होंगी, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको इनकम स्टेटमेंट देने की बजाय वैसे इंफॉर्मेशन दे दी हो, तो इसलिए मैंने कह दिया नेट सेल्स। तो जीपी रेशो, जीपी डिवाइड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशो क्या होगी, कौन सा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होंगे, पीबीआईटी ओवर सेल्स। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में प्रॉफिट के हवाले से तीन फार्मूले हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। फार्मूला तीनों का कॉमन क्या है, जीपी रेशियो में जीपी डिवाइड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और नेट प्रॉफिट रेशियो में पैट डिवाइडेड बाय सेल्स। और इन तीनों में कॉमन बात यह है कि ये आंसर जिस कंपनी का ज्यादा होगा वो ज्यादा बेहतर है। करिए दोनों कंपनीज की कैलकुलेशन, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हाँ जी, जीपी रेशो
अच्छा डेसिमल में कर लें तो बेहतर है, यानी 28 से आगे भी पूरा 28 है, बी 24.32। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 24.13.64, नेट प्रॉफिट रेशो 15.2 है, सेम है, सेम कैसे हो सकती है ये 21.08, ये बाकी ठीक है। कैलकुलेट हो गई सबसे, यही है इसमें, ये कैलकुलेशन ही है। अच्छा चलें साथ साथ कंपैरिजन भी देखते जाते हैं, कौन सी कंपनी बेहतर है, ए बेहतर है क्योंकि जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो तीनों ही दूसरी कंपनी से बेहतर है। ये जरूरी है कि अगर ये इससे ज्यादा है तो बाकी भी दूसरे से ज्यादा ही होंगे, नहीं, क्यों, क्या पता एक क्या जिसका जीपी बेहतर है उसके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते कि नेट प्रॉफिट रेशो कम हो जाती, तो इसलिए ये तीनों अलग अलग रेशोज निकाली जा रही हैं। अच्छा अब ये जो मैंने नोट्स दिए ना आपको, इनमें मैंने एक तो फार्मूला लिखा हुआ, फिर ये भी लिख दिया कि बेहतरी क्या है, हायर हो तो बेहतर है, ये वैसे नॉलेज के लिए ये भी लिख दिया कि ये बता क्या रही है रेशो, जीपी रेशो क्या बता रही होगी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या, मतलब जीपी रेशो ज्यादा है या जीपी रेशो कम है, ये चीज क्या शो कर रही है, सेल्स कितनी है, कि जो चीज खरीद रहे हैं वो हम कितनी ज्यादा महंगी बेच पा रहे हैं, यानी जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है हम उसको कितना ज्यादा महंगा बेच पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशो भी यही बता रही होगी, नहीं, नेट प्रॉफिट रेशो और जीपी रेशो में फर्क किस बात का होगा, चलें एक्सपेंसेस का ना, तो जिसके जीपी रेशो अच्छी है नेट प्रॉफिट रेशो काफी कम है तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, क्या एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, और अगर किसी की नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छी है जीपी के करीब करीब है तो इसका मतलब एक्सपेंसेस कम है। अच्छा जीपी रेशियो एक कंपनी की दूसरी से ज्यादा है, इसकी क्या रीजन हो सकती है, सेल ज्यादा होंगे, सेल्स तो इसकी ज्यादा थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होंगे, यानी इसको ये कह देते हैं कि जो सेल प्राइस ज्यादा चार्ज कर पा रहा होगा, जो ज्यादा महंगी सेल प्राइस चार्ज कर पा रहा होगा, इसी को दूसरी तरफ ले जाएं, जो कम कॉस्ट में चीजें बना लेता होगा, जो कम कॉस्ट में चीजें बना पा रहा है, यानी जिसको प्रोडक्शन की कॉस्ट कम पड़ रही है उसकी जीपी रेशियो ज्यादा होगी, तो ये रीजंस पॉसिबल रीजंस, ये मैंने पॉसिबल रीजंस लिखी हुई है, एक था दो दफा सवाल, एक दफा तो मुझे याद है ये भी सवाल आ चुका हुआ जिसमें कैलकुलेशन नहीं थी, बस वैसे ही पूछा हुआ था कि पॉसिबल रीजंस बता दें कि हाई रेशियो की पॉसिबल रीजंस क्या हैं, लो रेशियो की पॉसिबल रीजंस क्या हैं। ये रट्टा नहीं है, आपने इसको पढ़ के याद कच्चा कच्चा जरूर करना है, मतलब रट्टा नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि आप ये अपने पास से खुद ही बना ही लेंगे, टूटा फूटा याद करना पड़ेगा। और क्या ये तीन ही पॉइंट्स हैं, नहीं, तीन मिसालें मैंने लिखी हुई हैं और भी चार हो सकती हैं, तो इसलिए आप इनको रट्टा तो मैं नहीं कह रहा लेकिन टूटा फूटा कम से कम याद करिएगा कि अगर कोई बिजनेस ज्यादा जीपी रेशो वाला है तो उसका मतलब है वो महंगी सेल प्राइस चार्ज कर पा रहा है।
इसका मतलब है वो प्रोडक्शन कॉस्ट अपनी कम कर रहा है, इसका मतलब है जब वो चीजें खरीद के लाता है तो सस्ती खरीद लाता है, और लो का इसी का उलट करना, किसी की जीपी कम है तो इसका मतलब सेल प्राइस कम है, परचेज कॉस्ट महंगी पड़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी पड़ रही है। तो हाई लो रेशोज एक दूसरे के उलट ही हैं रीजंस। तो हर रेशो में मैंने ऐसे ही किया हुआ है कि फार्मूला लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट बताया हुआ है कि ज्यादा हो तो अच्छा है, कम हो तो अच्छा है, मीनिंग बताया हुआ है कि ये करता बताती क्या है रेशो, और पॉसिबल रीजंस हैं। ये सारे नोट्स में मैंने तकरीबन इसी पैटर्न पे सारे फार्मूले लिखे हैं। जीपी रेशो पढ़ लें एक दफा सारा, ये रीजंस भी पढ़ के देख लें, किसी बात की नहीं समझ आई तो पूछ लें। ओके अच्छा, नेट प्रॉफिट में भी ऊपर नहीं लाता, वैसे पहले ही जबानी पूछता हूं, नेट प्रॉफिट रेशो किसकी बेहतर है? एक ही। क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? अच्छा एक रीजन तो नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट ये एक रीजन तो ये भी हो सकता है कि जीपी ज्यादा था, क्योंकि जीपी ज्यादा होगा तो उसकी भी तो सपोर्ट मिलेगी ना। और क्या रीजन हो सकते हैं? इसके एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हैं, एक्सपेंसेस कम है, उनको भी तोड़ लेते हैं, इसने इसकी फाइनेंस कॉस्ट कम है, इसकी अदर इनकम ज्यादा है, तो ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। और जिसका कम है इन्हीं को उलट कर लेते हैं कि बिजनेस के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है। तो नेट प्रॉफिट का फार्मूला हाई हो तो बेहतर है, पॉसिबल रीजंस। और मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला नहीं लिखा अलग से, लेकिन ये नीचे देखे मैंने आपको एक बात डब्बे में लिख दी। हो सकता है किसी सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि पीबीटी रेशो बता दें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो, तो पीबीटी ओवर सेल्स हो जाएगा। हो सकता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो निकालने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 21%, इसका मतलब 21% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हुए? 79%। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 21% है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने? 79। ये लिखी हुई बात क्या? ये इनकम स्टेटमेंट के फेस के हिसाब से ये रेशियोज हो सकती हैं, और भी हैं, वो अगले सेक्शन में है, अभी मैं प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा हूं। ये पेज वन वाली चीजें मैंने आपको समझा दी, इनमें अगर कुछ पढ़ के पूछना है तो पूछें। ये दोनों डब्बे भी पढ़ लेना, अभी मैंने ये दोनों डब्बे भी बता दिए है। एसओएफपी में नेट सेल्स जो फेस पे प्रेजेंट हो रही होती है, हाँ वो नेट ही हो रही होती है। ओके चले जी, ये बेटा ऑन करते हैं। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स इक्विटी के मालिक होते हैं, ये ओनर्स का हक है बिजनेस पे, और जो इस बिजनेस के लेंडर्स हैं यानी जिनको डिबेंचर इशू किए हुए हैं वो इतने के मालिक हैं। मैंने मिसाल लिखी है, डिबेंचर्स लोन नोट्स मजीद हो सकते हैं, बैंक लोन भी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने भी एक मिसाल लिखी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन लोगों को वहां से क्या मिलना है? इन लोगों को डी से डिबेंचर तो डी से डिविडेंड, इन लोगों को क्या मिलना है? इंटरेस्ट। इन लोगों का डिविडेंड तो है, लेकिन उसमें से इनकी नजर किस पे? कौन से प्रॉफिट पे? नेट प्रॉफिट पे। इनके लिए ये पैट में इंटरेस्ट है, इनको
इसमें इंटरेस्ट है, यानी इन लोगों का इस पे नजर है और इन लोगों की नेट प्रॉफिट पे नजर है, और टैक्स वालों ने ये ले जाना है। एक रेशो होती है उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट ये है कि ओनर्स इतने रुपए के मालिक हैं, ईयर एंड पे ओनर इतने रुपए के मालिक हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ओनर्स की बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी पे ओनर का हक होता है ना, तो ईयर एंड पे ओनर इक्विटी इतनी है, यानी ईयर एंड पे ओनर इतने के मालिक हैं, ओनर की बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट है। यही सही बात, ओनर्स का बिजनेस में इतना हक है ना, तो ओनर की बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। तो अगर ये बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किए बैठे हैं तो हर साल बिजनेस इनके लिए क्या कमा के देता है। दोबारा सुने, इक्विटी वाले ओनर्स शेयर होल्डर्स उसका बिजनेस में हक किस चीज पे है, इक्विटी पे ना। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी पे उसका हक है। तो अभी इस वक्त ईयर एंड पे वो इतने रुपए के मालिक हैं, ओनर्स इक्विटी के मालिक हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी ए के ओनर्स की इस वक्त बिजनेस में 7600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी, तो हर साल बिजनेस इसको क्या कमा के देता है, इनमें से क्या है जो बिजनेस इनको कमा के दे रहा है हर साल, नेट प्रॉफिट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर परसेंटेज में निकालनी हो तो 760 डिवाइडेड बाय 7600, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी, परसेंटेज में रिटर्न निकालना हो। लेकिन अगर ये बात सिर्फ अच्छा ईपीएस में आप चूंकि पढ़ चुके हैं बात, रेशोज में वैसे टेस्ट होती नहीं है लेकिन ईपीएस में आने लग गई है तो रेशोज में भी हो सकती है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनका अगर डिविडेंड हो तो पैट में से पहले उनको हक मिलेगा या पहले ऑर्डिनरी वालों को मिलेगा, पहले उनको हक मिलेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए पैट को यूज करने की बजाय पैट में से पहले इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लें, बिल्कुल वो जो बेसिक ईपीएस का न्यूमिरेटर होता था उसको फिर इस पे डिवाइड करें। ये फार्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, अभी ना कुछ फार्मूले में आपको वर्ड एवरेज लिखा नजर आएगा, इसको फिलहाल इग्नोर कर देना जब तक मैं खुद नहीं बताता। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर इक्विटी, जब तक मैं खुद नहीं बताता तब तक एवरेज को इग्नोर रखिएगा। तो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर इक्विटी, प्रेफरेंस डिविडेंड वही वो इररिडीमेबल वाला, ये वही चीज है जो ईपीएस का न्यूमिरेटर होता था। इसका आंसर भी परसेंटेज में आएगा, ज्यादा हो तो अच्छा है कम हो तो अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा हो तो अच्छा है। दोनों कंपनीज का करें कैलकुलेट, कंपनी ए कंपनी बी का आरओई करें कैलकुलेट। प्रेफरेंस नहीं है तो नहीं है, Thank you.
हाँ जी कितनी आई? 10% और 8.08. ज्यादा हो तो अच्छा, कम हो तो अच्छा, ज्यादा हो तो अच्छा है। और चूंकि ये बात रिटर्न इक्विटी नेट प्रॉफिट वाली है ना, तो उसकी पॉसिबल रीजंस वही जो नेट प्रॉफिट की थी, एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हैं, जीपी अच्छा कमा रहा है, तो इसकी भी तकरीबन वही पॉसिबल रीजंस है। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, अब ये देख लें। इसका टोटल करिएगा 9600 और इसका 13200। बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टेड है ओनर्स का इतना और लेंडर्स का इतना, बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्टेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बिजनेस को फाइनेंस दो जगहों से मिल रहा होता है, ओनर से और लेंडर से, तो बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्टेड है, बिजनेस इस पैसे का यूज करके क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा के दे रहा है। अच्छा, बिजनेस इन पैसों का यूज करके जो काम कर रहा है उससे जो प्रॉफिट कमा रहा है, काम करके जो प्रॉफिट कमा रहा है, वो इनमें से कौन सा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि ये बिजनेस करने का खर्चा तो नहीं है, ये बिजनेस करने का खर्चा तो नहीं है। बिजनेस ने जो मेहनत की, चीजें बेची, इतने की खरीद के इतने की बेची, ऑफिस मेंटेन करना, सेल्स मेंटेन करना, उसके लिए भी खर्चे करने पड़े। यानी बिजनेस जो इन पैसों का इस्तेमाल करके कमा रहा है वो 1240 कमा रहा है। हां, इसमें से फिर हिस्से लेने वाले आ गए, 180 इसको दे दिया, 300 गवर्नमेंट वालों को दे दिया, बाकी इनके जिम्मे। तो बिजनेस इतना कमा के दे रहा है, यानी बिजनेस को जो पैसे उसके हवाले किए गए थे ओनर्स ने और जाग रहे हैं, बिजनेस को जो ओनर्स ने और लेंडर्स ने पैसे हवाले किए थे, बिजनेस ने वो पैसा इस्तेमाल करके क्या कमा के दिया? 1240 यानी पीबीआईटी। तो अब इस पीबीआईटी के हिस्से से आगे ओनर्स को इतना मिल रहा है, लेंडर्स को इतना मिल रहा है, गवर्नमेंट को इतना मिल रहा है, बिजनेस इतना कमा के दे रहा है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं इसको, यानी इन दोनों ने मिला के जो पैसा बिजनेस के हवाले किया है इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल शेयर कैपिटल वाला नहीं है, पैसों वाला है, कि पैसे प्रोवाइड किए गए हैं। तो बिजनेस को इन दोनों ने मिला के इतने पैसे बिजनेस के हवाले किए इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और उन पैसों का इस्तेमाल करके बिजनेस क्या कमा के दे रहा है हर साल? पीबीआईटी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज के वर्ड्स इग्नोर फिलहाल, पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड।
अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बात पढ़ के देखें समझ आ रही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या शामिल है? इक्विटी प्लस बोरिंग्स, ये क्या लिखा मैंने? यानी अगर बैंक लोन है, कुछ नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा है, कुछ तोड़ के करंट में लिखा हुआ है, तो लोन तो पूरा ही है ना, या सिर्फ वो है जो नॉन करंट में लिखा हुआ? बैंक लोन तो पूरा ही है, वो तो वैसे प्रेजेंट करते हुए करंट नॉन करंट में तोड़ दिया है, ये मुराद है मेरी इससे कि कैपिटल एम्प्लॉय। अच्छा आपको ना सवाल में बैलेंस शीट गिवन है, जैसे मैंने इस पर टूटी फूटी बैलेंस शीट बनाई है, इनकम स्टेटमेंट गिवन है, उससे हम लोग रेशियोज निकाल रहे हैं, तो इक्विटी के साथ बोरिंग्स में ला लें करंट पोर्शन भी, तो ये बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें है? करें बाकी भी कैलकुलेट। हाँ जी कितना आया? 12.9282। ज्यादा हो तो अच्छा है, कम हो तो अच्छा है? ज्यादा हो तो अच्छा है। ये चीज मैंने नहीं बताई अभी, ये मैं अभी बताता हूं। अच्छा पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं ये पढ़ के देखें, पॉसिबल रीजंस पढ़ के देखें है? प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये रेशियो ज्यादा होगी। एफिशिएंट फंड्स मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बिजनेस ज्यादा कमाए। एफिशिएंट फंड्स मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसों का अच्छा इस्तेमाल करके बिजनेस ज्यादा अच्छा कमा रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये रीजन कैसे हो सकती है? मतलब लोन कम हो गए तो, अगर लोन कम हो गए तो इंटरेस्ट भी कम पड़ा, ये कम होने से डिनोमिनेटर भी कम हो गया, तो पीबीआईटी डिवाइडेड बाय जब ये करेंगे तो ज्यादा आंसर आ जाएगा। तो ये पॉसिबल रीजंस हैं। अगर किसी कंपनी ने, अच्छा ये तो मैंने पॉसिबल रीजंस लिखे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि ए और बी के कंपैरिजन की बात हो रही है, ये ए के 2022 के 2021 से भी कंपैरिजन की बात हो सकती है। तो 2022 में आरओसीई इसलिए भी बेहतर हो सकता है कि 2021 में लोन ज्यादा थे, 2022 में लोन वापस कर दिए तो लोन थोड़े हो गए, इसलिए 2022 बेहतर हो गया, तो लोन वापस करना हुई ना एक रीजन। ये मैंने सिर्फ ए और बी का कंपैरिजन नहीं, ये तो मैंने सामने ए और बी लिखा है ना, वरना कंपनी ए का 2022 2021 का कंपैरिजन भी हो सकता है। तो ये सिर्फ ए और बी के कंपैरिजन की नहीं है, अपने पिछले साल से कंपैरिजन की भी रीजन हो सकती है ये। लेकिन ये ना सिर्फ यही तीन तीन पॉइंट ही नहीं है स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड नहीं है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर एनालिसिस वाला है ये स्टैंडर्ड कोई नहीं है, ये फाइनेंस होता है, ये बिजनेस वैल्यूएशन से रिलेटेड चीजें। लेकिन बहरहाल FAR1 के चैप्टर सिलेबस में है तो हम पढ़ रहे हैं, और ये इधर उधर बहुत इधर उधर जाता रहा है, कभी FAR2 में होता था, फिर उनको लगा कि FAR2 में तो रखना मुनासिब नहीं है, फिर उसको कॉस्ट में रखा, फिर FAR1 में रखा, फिर निकाल लिया, फिर दोबारा रख दिया, तो अभी बहरहाल ये आपके सिलेबस में है।
अच्छा क्रेडिटर, क्रेडिटर बोरोइंग है, अच्छा क्रेडिटर लाइबिलिटी है, हाँ बोरोइंग है, बोरोइंग है सच नहीं है, वो तो हमने उसको पैसे देने थे चीजें खरीद के, अभी का थोड़े दिन बाद दे देंगे, तो वो एक टेम्पररी उधार है, बोरोइंग एज सच नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट ना IS 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोरोइंग है, IS 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये जितने फार्मूले हैं ये बुजुर्गों के बनाए हुए, कोई फार्मूले कोई स्टैंडर्ड में नहीं लिखे, बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूले, मुख्तलिफ किताबों में थोड़े थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं ये। तो इन फार्मूलों में जो चीज असेस की जा रही है उसमें बोरोइंग मतलब बोरोइंग, ओवरड्राफ्ट को इस मकसद के लिए बोरोइंग नहीं माना जाता। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग इस वक्त ROCE निकाल रहे हैं, ROCE का दोबारा से कॉन्सेप्ट सुने, ROCE ये है कि ओनर्स ने और जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया, ये लो पैसा इस्तेमाल करो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, वो भी यही होता है कि बैंक कहता है ये ले पैसे, अब इसको हम इन्वेस्ट करें और कमाएं। बैंक ओवरड्राफ्ट ना ऐसे ही है जैसे क्रेडिटर को चीजें खरीद के पैसे देने को कहा था अच्छा कल देते हैं पैसे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी ऐसे ही है, बैंक से कहा था अच्छा मैं पैसे ले रहा हूं भी कल वापस कर दूंगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है लेकिन वो प्रॉपर बोरोइंग नहीं है उस सेंस में। ये डिबेंचर वाले लोगों ने क्यों पैसे दिए थे बिजनेस को, पैसा इन्वेस्ट किया था, इस पैसे को बिजनेस ने इस्तेमाल करना था, बिजनेस ने कमाना था, फिर उन लोगों को इंटरेस्ट देना था, यानी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट थी, सोचा समझा 10 साल मंसूबा था। बैंक ओवरड्राफ्ट तो एक टेम्पररी उधार था, आज नहीं कल वापस कर देंगे। तो इन रेशो कैलकुलेशंस के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट बोरोइंग नहीं है, लेकिन उस पे पड़ने वाला इंटरेस्ट तो इधर ही आया होगा कि नहीं, तो इस रेशो कैलकुलेशन के लिए उसको इसमें से निकाल देंगे। नहीं समझी बात, अगर इस 180 के अंदर 20 रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट वाला इंटरेस्ट है, इस 50 के अंदर नहीं 10 रुपए अगर बैंक ओवरड्राफ्ट वाला इंटरेस्ट है, तो इस रेशियो पर्पस के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं कहा जा रहा, यानी वो यहां से लेके इधर शिफ्ट कर देंगे। ये जो 20 रुपए मैंने कहा कि इस 180 में ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट शामिल है, इस 50 में 10 शामिल है, सिर्फ मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूं बस, और नहीं सिर्फ इस फार्मूले की बात कर रहा हूं, किस फार्मूले की, ROCE, सिर्फ ROCE की कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बिजनेस का बाकी खर्चा समझा जाएगा। यानी अब इस सूरत में PBIT कितना लेंगे, 1220, यानी इस 20 को यहां से निकाल के इधर ले जाएंगे। इंटरेस्ट तो है ना, ये इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उसको एक आम खर्चा समझ के इधर ले जाएंगे। इसी तरह इस कंपनी का PBIT क्या ले लेंगे, 1550। तो PBIT में सिर्फ और सिर्फ ROCE के लिए ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट को भी एक आम एक्सपेंस समझना है, यह बात मैंने यहां लिखी है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेकिन आफ्टर ओवरड्राफ्ट वाला इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यानी 1240 लेकिन आफ्टर ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट, मतलब वो 20 माइनस कर लें, बिफोर इंटरेस्ट लेकिन ओवरड्राफ्ट वाला माइनस कर लें, ये लिखी हुई बात है। क्यों, क्योंकि ओवरड्राफ्ट को हम इस मकसद के लिए डेट नहीं मान रहे होते।
और ROCE की ही एक थोड़ी सी चेंज शक्ल है, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। ये इसी की थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल है। इसके डिनोमिनेटर के अंदर टोटल एसेट्स आ रहे होते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह एक मिलता जुलता एक और फार्मूला है रिटर्न ऑन एसेट्स, PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह एसेट्स हो गया। उन एसेट्स में टोटल एसेट्स ले लिए जाएं ये भी सही होता है, नॉन करंट ले लिए जाएं ये भी सही होता है, लेकिन ये प्रेफर्ड है। अच्छा, अब आप एक सवाल कर दें और वो सवाल आप कर दें, बुक में होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से थोड़ा मिलता जुलता है रिटर्न ऑन एसेट्स, कि बिजनेस के एसेट्स को इस्तेमाल करके बिजनेस क्या कमा रहा है। तो बिजनेस तो PBIT कमा के दे रहा है ना, बाकी इंटरेस्ट तो वो लोन वाले आते हैं हमें पैसे दे दो। देखें, बिजनेस अपनी एक्टिविटीज करके क्या कमा रहा है, PBIT। तो इसलिए रिटर्न ऑन एसेट्स ये है कि बिजनेस के एसेट्स के ऊपर बिजनेस क्या कमा रहा है, तो इसलिए अगेन PBIT। चैप्टर 10 है और इसमें आप पेज नंबर 10 वो पूछ रहा है कि रिटर्न ऑन एसेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस के जो टोटल एसेट्स हैं, बिजनेस उनको इस्तेमाल करके कमा रहा है ना, तो बिजनेस क्या कमा रहा है। नेट प्रॉफिट बिजनेस की कमाई नहीं है, नेट प्रॉफिट तो हिस्सेदार आके अपने अपने हिस्से ले गए तो बाकी बचा है। गवर्नमेंट ने कहा हमें अपना हमारा हिस्सा दे दो, डिवेंचर वालों ने कहा हमारा हिस्सा दे दो, तो नेट प्रॉफिट बच जाता है। बिजनेस क्या कमा के दे रहा है, PBIT। तो इसलिए PBIT इस्तेमाल हो रहा है इधर। पेज 454, पेज 454, पेज 454, क्वेश्चन 3 कर दें सॉल्व। पेज 454, ये डेटा कॉमन बनाया हुआ मैंने और इससे ना मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स बनाई थी। डेटा मैंने सेम रखा था, आगे मैंने सारे क्वेश्चन 4-5 में ये कहा हुआ है कि वही वाला डाटा यूज करें। जी, पेज 454 है। एवरेज का वर्ड मैंने क्या कहा है, अभी एवरेज का वर्ड इग्नोर करें, है जी। यार पेज नंबर भी बता दिया, पुरानी क्या वही बुक ही है, ये वाली बुक है यार। जी कौन सा एक्सपेंस नहीं बनाया, PBIT जो इस्तेमाल किया है वो 1240 की बजाय 1220 इस्तेमाल किया। इनकम स्टेटमेंट नहीं चेंज कर दी, सिर्फ फार्मूले के अंदर PBIT 1250 1240 लिखने की बजाय 1220 लिखा है। सातों से करा लें। नहीं नहीं क्वेश्चन 3 सारा ना, मतलब जो 4-5 चीजें पूछी हैं, क्वेश्चन 3 सारा कहा है करने को, 5 रेशियोज हैं, बस 5 रेशियोज हैं सिर्फ।
ये रेशियोज कंप्लीट करूंगा तो ये वन एंड करूंगा, फिर एग्जाम प्रैक्टिस के लिए टू शुरू करूंगा। पहले जीपी और नेट प्रॉफिट निकालें, बस उसमें एक बात बताता हूं, पहले जीपी और नेट प्रॉफिट निकालिएगा। हाँ जी, पहले सिर्फ जीपी और नेट प्रॉफिट, ओके। बाकी तीनों के लिए ना एक फार्मूला समझें, उसकी वजह बताता हूं कुछ देर तक, अभी सिर्फ फार्मूला समझें। 2017 में अगर 10,000 लोन है और 2018 में ये लोन का बैलेंस 17,000 हो गया, ये मैं मिसाल लोन ले रहा हूं, वरना आगे बैलेंस शीट के बहुत सारी फिगर्स के बारे में ना एवरेज का वर्ड आने लगा है, क्योंकि रीजन इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आएगी आज, लेकिन अभी बस फार्मूला बता रहा हूं। इन दोनों का एवरेज कैसे निकालें, ऐड करके दो से डिवाइड कर दें। तो अगर हम 2018 के लिए पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हैं, तो एवरेज एम्प्लॉयड कैसे निकालें, 2018 के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 17+18 डिवाइडेड बाय 2। चलें अब निकालेंगे बाकी तीन रेशियोज भी। है जी, नहीं समझ आई। 2019-2018 ऐसी खुद ही फिगर ले रहा हूं मैं, कैपिटल और रिजर्व्स 1,800, 4,000 और 3,200, 5,000, 4,000,
रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी पैट माइनस अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। अब अगर 2019 की एवरेज इक्विटी की बात करें तो 19 और 18 का एवरेज, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, 4500। ये कह रहा हूं कि अब जब क्योंकि मैंने 2018 पूछा ना, 17 तो नहीं पूछा, तो 18 की रेशियोज निकालने के लिए एवरेज कैसे करेंगे चीजों को, 18 प्लस 17 वाली फिगर डिवाइडेड बाय 2। तो ये जिस जिस फार्मूले में मैंने जिस जिस के साथ एवरेज लिखा हुआ है तो वो एवरेज निकालने का ये तरीका है। क्यों की वजह अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। नहीं फिर नहीं कर सकते एवरेज, करंट लायबिलिटी में कहीं अगर पोर्शन आ रहा है लोन का तो वो लेंगे ना, अभी यही तो कहा है लेना है ना उसको। नहीं नहीं बाकी नहीं, सिर्फ लोन के करंट पोर्शन की बात की थी मैंने, क्रेडिटर्स को क्यों मिलाना है, बोरोइंग्स कह रहा हूं, बोरोइंग्स। अरे इतनी देर का तो काम नहीं था। जी जी ये तो आपने गौर करना, और करें ना देखें। नहीं है बैलेंस शीट में, नहीं है तो और कहाँ होंगे, नहीं है तो नहीं है। एवरेज ऐसे ही करना, Thank you.
कितना अर्सा लगेगा? हाँ जी, हाँ तो मैंने कहा है ना कि ये आर ओ ए है, ये आर ओ सी ही की तरह एक और वर्जन है। देखें वो तो मैंने यहां भी ये बात दोबारा नहीं लिखी। किधर गया ये जो पीबीआईटी है, पीबीआईटी ओवर आरओसीई, पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आरओसीई का एक मॉडिफाइड वर्जन है, यही न्यूमिरेटर लेकिन डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड न्यूमिरेटर एक ही है। आरओसीई और रिटर्न ऑन एसेट्स का एक ही न्यूमिरेटर है। एवरेज एसेट्स है ना, ये देख लो एवरेज एसेट्स है। अरे इतनी देर लगा दी। चलें जो उलझे में उधर देखें, जीपी रेशो के लिए ये जीपी डिवाइड बाय सेल्स, इधर भी ये तो निकाली हुई है, सॉरी ये जीपी डिवाइड बाय सेल्स, ये तो हो गया कि ये भी नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट रेशो के लिए पैट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये भी हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए, इक्विटी है ये सारी इक्विटी है, लेकिन चूंकि एवरेज इक्विटी है तो इन दोनों का एवरेज, और ये डिनोमिनेटर हो गया और इसका न्यूमिरेटर हो गया पैट, क्योंकि जब कहीं आ ही नहीं रहे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है, तो पैट डिवाइडेड बाय वो एवरेज इक्विटी। ओके, आरओसीई, आरओसीई के लिए हमें चाहिए पीबीआईटी यानी ये, लेकिन इसमें से ये कर लेना है माइनस, तो 4800 में से 150 माइनस कर लें, 4650 ये न्यूमिरेटर है। इंटरेस्ट, अभी बार बार एक बात कर रहा हूं, नहीं नहीं मैंने फिर ये भी तो कहा था ना कि ये जो आरओए है ये आरओसीई का एक और वर्जन है, इसमें डिनोमिनेटर बदल रहा है बस। रिटर्न ऑन एसेट्स आरओसीई इसी के लिए एक और शक्ल है, तो जो आरओसीई का न्यूमिरेटर है वही आरओए का न्यूमिरेटर है। क्या एवरेज क्यों ले रहे हैं, हम एवरेज क्यों ले रहे हैं, एवरेज क्यों ले रहे हैं, ये मैंने भी बताना है अभी इंशाल्लाह बताना है।
आरओसीई के लिए न्यूमिरेटर इसमें से ये माइनस, और रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए भी यही न्यूमिरेटर, और डिनोमिनेटर के लिए आरओसीई के डिनोमिनेटर के अंदर ये इसके साथ बैंक लोन मिलाना है, लेकिन बैंक लोन ये भी है तो 5000 है ये, तो इसके साथ 5000 मिलाया और इसके साथ भी ये मिला लिया, और इनका एवरेज करेंगे तो वो आरओसीई का डिनोमिनेटर बनेगा, और रिटर्न ऑन एसेट्स का डिनोमिनेटर इनका एवरेज। ठीक है, यहां तक कोई बहुत मुश्किल काम? अभी तो घंटा ही हुआ पढ़ते हुए, नहीं मैंने कहा पढ़ते हुए। नहीं, नाश्ता में करके आऊंगा, जाकर इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ था मैंने इधर? 150 और 80 और ये 180 था, और ये और पीबीआईटी क्या लिखा हुआ था? 1 2। अच्छा, इसी डाटा से ना एक और सेट बताता हूं ताकि मैं फिर डाटा चेंज कर दूं। बस टोटल क्या 8 पेजेस हैं, बस 2 हमने कर लिए, सिर्फ 6 रह गए। अभी कौन सी रेशियोज पढ़ी हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो 5-6 रेशियोज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी थी। अब इन रेशियोज को डेट रेशियोज भी कह सकते हैं, लिवरेज रेशियोज भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कह सकते हैं। इस फंक्शन से ये पता चलेगा, लिवरेज रेशियोज, इससे ये पता चलेगा कि बिजनेस ने कितना वजन उठाया हुआ अपने सर पे। जब बिजनेस को पैसे दिए जा रहे थे तो वो ओनर्स के ही पैसे होते तो बिजनेस टेंशन फ्री होता, लेकिन अगर बिजनेस ने लोन भी उठाया हुआ है तो अब बिजनेस टेंशन में है। अगर बिजनेस उस टेंशन से गिर गया तो लोन लेने वाले फौरन आएंगे, एसेट्स बेचेंगे, नोच के खा जाएंगे, अपने सारे पैसे ले जाएंगे। इक्विटी वालों के लिए शायद कुछ बचेगा नहीं, या देखेंगे क्या बचेगा। तो बिजनेस में जितना ज्यादा लोन होगा ओनर्स को उतनी ही ज्यादा टेंशन होगी। इस टेंशन को जज करने के लिए ये रेशियोज है। इन रेशियो से यह पता चल रहा है कि बिजनेस के पास लोन्स कितने हैं, ज्यादा हैं कम हैं। अच्छा, साइंस में बचपन में ही पढ़ा होगा लीवर, ये लीवर वो वाला कह रहा हूं, जिगर वाला नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स वाला। रहने दे, मैं पूछता ही नहीं। ये कोरोना के दौरान पास किया है। अच्छा, लीवर का क्या काम होता है? हैं, पुल करना, बैलेंस करना। अच्छा चले, एक वजन उठाना है और ऐसे वजन उठाना मुश्किल है, तो एक पत्थर रखा
उसके जरिए एक रॉड को इस्तेमाल किया और उस पत्थर का सहारा लेके, तो फिर ये लिवर का काम है, वो जो सीसो नहीं बच्चे ले रहे होते, तो वो लिवर का कॉन्सेप्ट है। तो वो जो, हाँ जी, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो वो लीवर ही है जो गाड़ी को उठा रहा है। अब उसमें हो क्या रहा है कि इधर जो बच्चा बैठा है बहुत भारी था, उसको वैसे गोद में उठाना मुश्किल था, तो इधर सीसा पे बैठेगा अगर तो इधर से प्रेस करके वो उठ सकता है। सीसो वो पता है ना। तो अब ये जो, ये क्या कहते हैं उसको, फेंस नहीं, हेज, एज, बेज, लेज, पता नहीं जो भी होता है। तो अब ये इसको सपोर्ट कर रहा है और इसका होना इसकी ताकत को बढ़ा रहा है। तो साइंस ही पढ़ाने लग गया। इधर बैठा हुआ बहुत भारी सा बच्चा, वो जिसपे बिल्कुल प्यार नहीं आ रहा होता, बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहा होता, तो उसको गोद में उठाया भी नहीं जा रहा होता, उठाने का दिल भी नहीं कर रहा होता। तो अगर उसको यहां बिठा के उठाना है तो यहां फोर्स लगाएंगे तो फिर इसका वजन उठने में ताकत ज्यादा बन जाएगी। ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये लिवर का काम होता है। इसीलिए मैं बार बार पूछा था सीसो, जो वो उसी झूले का जिक्र कर रहा था मैं, सीसो। कोई मिसाल नहीं थी। बिजनेस में ओनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, अब उन पैसों से बिजनेस एक लेवल तक जा सकता था, लेकिन लेंडर्स ने बिजनेस को और पैसा दे दिया, अब उसकी बेस पे बिजनेस और ऊपर ग्रो कर सकता है। तो वो जो लोन है वो बिजनेस में लिवर का काम दे रहा है, लिवरेज का काम दे रहा है। तो ये लिवरेज रेशियोज होती हैं बस कुछ रेशियोज। इन रेशियो से ये पता चलता है कि बिजनेस में, अच्छा मोटरसाइकिल तो चलाइए, गाड़ी है चले, मोटरसाइकिल में गियर चेंज हो जाता, पहले गियर में कितना को चल जाती स्पीड, 40 अपनी नहीं होनी ना। अच्छा, अब गियर चेंज होता है तो इंजन को पावर और बढ़ जाती है, फिर स्पीड और तेज हो सकती है, फिर गियर चेंज होता है। तो ये जो गियर का काम है वो भी यही लिवरेज वाला काम है। तो इनको गियरिंग रेशियोज, लिवरेज रेशियोज कहते हैं। इन रेशियोज में ये जज किया जा रहा है कि बिजनेस ने कितना लोन लिया हुआ है। दिस डिवाइड बाय दिस करें, 2000 डिवाइडेड बाय 7600, 26.32%। 700 डिवाइडेड बाय 12500, जी 5.6। अच्छा, 2000 डिवाइडेड बाय 9600 करें, 20.3। 700 को किससे डिवाइड कराऊं, 13200 से, 5.3। ये इससे कम क्यों हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, ये भी इसीलिए कम हो गई। इन दोनों को कंपेयर कर लें या चाहे इन दोनों को कंपेयर कर लें, जिसका आंसर ज्यादा आ रहा है उसका मतलब है उसमें डेट ज्यादा है कम है, जिसकी परसेंटेज ये ज्यादा बन रही है। चाहे इन दोनों को कंपेयर कर लें चाहे इन दोनों को कंपेयर कर लें, क्या फर्क है दोनों में, एक के डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी रखी है और एक के डिनोमिनेटर में इक्विटी और इस न्यूमिनेटर दोनों को मिला लिया, यानी डेट ओवर इक्विटी या फिर डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। चाहे इनको कंपेयर कर लें चाहे इनको कंपेयर कर लें, ज्यादा आंसर आने का मतलब है ज्यादा डेट है, रिस्क ज्यादा है। तो इन दोनों ही रेशियोज को गियरिंग रेशियो कहते हैं। ये भी सही है ये भी सही है,
इसमें अगर आपको सिर्फ गेयरिंग रेशो पूछी है तो दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा लें। ज्यादा मशहूर वैसे ये फार्मूला, ज्यादा मशहूर फार्मूला ये है, ये दो फार्मूले लिखे हुए मैंने, ये डेट ओवर इक्विटी और डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम थोड़े फर्क रखे हुए हैं लेकिन ये नाम इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको भी गेयरिंग रेशो कहते हैं, इसको भी गेयरिंग रेशो कहते हैं। गेयरिंग रेशो ये दोनों है, ये फार्मूला लग जाए ये भी सही है, ये फार्मूला लग जाए ये भी सही है। हाँ तो वो इक्विटी है ना, इधर हमने डेट को लिखा। नहीं तो 2000 ओनर के तो नहीं है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस को जो टोटल पैसा मिला ओनर्स की तरफ से लेंडर्स की तरफ से, उस टोटल में लेंडर्स का पैसा कितना है। 2000 डिवाइडेड बाय 9600 आंसर आ गया 21%, यानी इन पैसों में 21% लेंडर्स का पैसा शामिल है, 79% ओनर्स का पैसा शामिल है। ये गियरिंग रेशियो बता रही है कि जो ओनर्स और लेंडर्स का मिला के पैसा है इसमें मिक्स क्या है, इसमें प्रोपोर्शन क्या है, ओनर्स का पैसा कितना है और लेंडर्स का पैसा कितना है। जाग रहे हैं, ब्रेक चाहिए, चले ठीक है पढ़े। डेट इक्विटी रेशियो में ये डिवाइडेड बाय ये भी हो सकता है और ये डिवाइडेड बाय टोटल भी हो सकता है, पिक्चर दोनों से सेम पता चल जाएगी कि जितने ज्यादा परसेंटेज है इसका मतलब उतना ज्यादा डेट है। तो ये दोनों ही रेशियोज गियरिंग रेशियोज ही कहलाती हैं, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी और जिसमें इक्विटी है वो भी, ये दोनों रेशियोज गियरिंग रेशियोज कहलाती हैं। और ज्यादा हो तो बेहतर है, कम हो तो बेहतर है, कम हो तो बेहतर है, लेकिन ये वेरी करता है नेचर टू नेचर बिजनेस के, बहरहाल कम बेहतर होती है। और ये एक फार्मूला देख लें फिर दे देता हूं ब्रेक, नहीं करनी ब्रेक, चलें ठीक है, नहीं तो ना सही। पीबीआईटी में से पीबी कौन सी क्लास है, 11 बजे, चलो कोई बात नहीं, पीबीआईटी 11 और उसके बाद बजेंगे 12 बजे पढ़ लेना जाके। तो ना पढ़ना पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट इसके मुकाबले में कम हो तो ज्यादा टेंशन है, जैसे 1560 बिजनेस 1560 कमा रहा है और 1500 इसने इंटरेस्ट ही दे देना है, ये बिजनेस ज्यादा टेंशन में है कि वो 1240 कमा के उसने सिर्फ 180 इंटरेस्ट देना है। यानी जितना बिजनेस कमा रहा है उसके मुकाबले में इंटरेस्ट जितना थोड़ा होगा उतनी टेंशन कम होगी। पीबीआईटी इसको जितना कवर कर लेगा, जितना ज्यादा आसानी से कवर कर लेगा उतना आसान है बिजनेस के लिए, इसको कहते हैं इंटरेस्ट कवर। किधर गया, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवर रेशो, कम हो तो अच्छा ज्यादा हो तो अच्छा है। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, पीबीआईटी जितना ज्यादा हो, पीबीआईटी के साए में जितना इंटरेस्ट छोटा सा नजर आ रहा होगा उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है, तो इंटरेस्ट कवर जितना ज्यादा आंसर होगा उतना अच्छा है। अच्छा ये मैंने टाइम्स लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज नहीं होगा, वो होगा कि इतने गुना है। जैसे अगर इसका आंसर 6 आ गया तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट से 6 गुना प्रॉफिट है, ये मतलब टाइम्स है, हैं? दोबारा इसका आंसर अगर आता है 6 तो 6 क्या 6 रुपए 6 दिन 6 घंटे 6%, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट के मुकाबले में 6 टाइम्स है प्रॉफिट, उससे 6 गुना बड़ा है। यानी अगर 600 प्रॉफिट है 100 इंटरेस्ट है तो ये इस इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है ना, ये मतलब है टाइम्स का।
ये हैं लिवरेज रेशियोज तीनों। ये सेट इसमें तीन रेशियोज हैं। और चलें ठीक है, लेक्चर वन रोकता हूं, फिर लेक्चर टू भी तो डेढ़ घंटे का करना है। हाँ अब इंटरेस्ट प्रॉपर इंटरेस्ट है। अच्छा ये बाकी लोग भी सुने, वो ना सिर्फ मैंने आरओसी के लिए बात की थी इंटरेस्ट वाली, ओवरड्राफ्ट वाली। अब इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, अब नहीं ओवरड्राफ्ट निकालना, वो सिर्फ पीबीआईटी के लिए, वो आरओसी की बात की थी। यहां पर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट। चलो ये नंबर वन यही खत्म करता हूं, ठीक है।